टाइम सदाई करी मथे सन सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम सुबह मेहरान में मां ताजो पांजो अजमतुल्ला कुंभर असन समूरी टीम मेहरान टीवी समूर सत ताजी खिदमत में हाजिर है रोजानो जी हां आज बस ताई खिदमत में हाजिर आयो नवन मौजून सा गड नवन सब्जेक्ट सा गड नवन मेहमान सा गड पर सबनी का पेरी उनन दुआओं सा गड जेके अस ताके रोज दींदा आयो तशाला जित बुजो खुश हो जो आबाद हो जो जेका भिटाई जी मु सेटअप पढ़म त आलम सब आबाद करी अल्लाह सही सजे आलम के सजे न सिंध के सजे न वतन के आबाद करे सर सब जो शादाब करे ही दुख ही सूर ही तकलीफों ही आफतों ही बीमारियों ही जेके मामला है अल्लाह सही असन में छुटकारो हासिल करे इंशाल्लाह तुम जित बुजो खुश हो पैंजे प्यारन से गड खुश हो तक कमकार हफ्ते अज टो ढी है अरबा जो ढी 26 जून तुम समूरा कम अल्लाह सही ते उन बाह बेली थे तुम हामी और नासिर थे गडो गड तको आसानी पैदा करे हर मामले में तुम आसानी पैदा करे उम्मीद तो खैर खैरियत से हूँ गर्मी का बचा हूँ कल तिज जो जोबन जलवा डेखारिया ज़रूर हर कें मतलब तवाता ये मुख्तलिफ दिलचस्प तबसरा अस कल बुधने मिलया पे कल शाम ताई मतलब रात जो 10-11 ताई भी जो सूरत हाल हुई हैदराबाद कराची या टनो मोहम्मद खान ये जी असा भरपासे वा इलाका हुआ वरी गडो गड जो पा उतर की गाल क्यों तो उतर तो ये पे बर गाल कज सो अला सही का दुआ घुरो तो ये मुसीबतू हैं इन के तुम ये न समझो तो ये रूटीन की शे है ज़रूर असा के गलतियों थी असा के गलतियों घणई गलतियों थन तो अस अला सही कुदरत से विढ़िया आयो असे बेलन के बूटन के वणन के वढ़े छो है धरती से जैसे अस हथ चुरान कई है तो ये गर्मी थन्दूँ इं अ बरसातू अचणी आन तो वही बोडियन वाली सूरत हाल थी तसंदा उनका वही बरसातों का वही बीमारियों उठंद नयू नयू अजीबो गरीब बीमारियों नवा नवा वायरस उठंदा सो उन समूर मामलों में असो भी डोह है वो अस कबूल करण घुर्ज उन डोह के पर यही है तो मामलो इतने खत्म नो थे अज ही असा जैसे चाहूँ था असो इंद नसल है उनके असा छाव दूँ उनके इन गर्मी का इन जड़ी गर्मी का बचाऊँ जो अस पा बर्दाश्त ना कर सकूँ असें बच्चन के इन गर्मी का इन आफतुन का इन बीमार का बचाऊँ तो जैसे का ये गर्मी शुरू थी है रोज़ मेहरान टीवी सत मां समूरी टीम के तरफा तक एक गुजारिश कन् तो आसे पास में बूटा लगा ये सुबह वा वण थन्दा तर के तेको कखाव घण जो भी जिते तुम रहो था जो तुम आशियानो है उनके थदो रख गो गुड तलाके थदो रख धरती के थदो रख न रगो थदो रख पर बेन आफतुन का बचाई बीमार बचाईंदा ये वण तो बोडियन का बचाईंदा तैलाबन का बचाईंदा तो तूफान का बचाईंदा अगत जो प्रोग्राम में पा जिक्र क्या सभी का पैं खबरों को लीडिंग न्यूज़ जो उन पा जो भी शख्सियतू मौजूद होंदन उन कचहरी क्या अज भी असं तक खूबसूरत महफिल मौसीकी भी बुधाईंदी नौजवान रागी असं मौजूद हैं उन्होंने गाल बोल कराईंदी रांदन से पा गाल बोल कंदी मुख्तलिफ मौजुअन से पा गाल बोल कंदी प्रोग्राम में शामिल हूँ तो ये महफिल जो हसीन महफिल थी वेंदी इन महफिल में चार चंड लगी वेंदा खबरों सिलसिलो अगत वधायूं तो सभी का पैं जैसे खबर का जिक्र कदम वो है काबीना जो इजलास जो वफाकी काबीना इजलास कल जो अस जिक्र किया थोड़ी देर में शुरू थियण वो है कल वो वफाकी काबीना इजलास वजीर अजम शहबाज शरीफ साहब की सदारत हेठ थो जैमें समूरन मामलों से गौर विचार वो समूरा जी काबीना मेंबर आ वो तो शरीक हुआ तेखा फैसलो किया तो ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम जो जिक्र गुजरियल हफ्ते का वी हले पो उन मंजूरी दिनी वही वह काबीना उन मंजूरी मुकम्मल तौर से दई छी है कें वक्त कें मुदाखलत पे कई कें एतराज़ पे पर समूरन एतराज़न समूरन का कल नेठ वफाकी काबीना अजमे इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दई छी है उनसा गडो गड वजीर आजम शहबाज शरीफ पाँच तकरीर में यो भी तो असें कें मजबूरी के IMF से गड़ी जो है बजट ठाणी पी इन बजट में असो है IMF से गड़ी हुआसी उन शर्त कबूल कयासी ए गडो गड यो भी तो असा सोलर से को टैक्स न लगाया हुआ सोलर से मुकम्मल छूट दिनी है पर बेन मामलों से वो गलायण में थोड़ा हबकी रहा हुआ तो ज़ाहिर IMF जो चवन तो जी जी शूं थी टैक्सिस लगान शूं महंग थन तो वो आराम से समझी सको था गडो गड इन काबीना के इजलास में PIA की नजकारी के खिलाफ आगाही दिनी वही उनमें ब्रीफिंग दिनी वही बुधा वो तो PIA की जी नजकारी है जी पाँ एयरपोर्ट्स कोई PIA जो जहाज है जी सारी कंपनी है उनके खानगी कंपनी के हवाले करने जो फैसलो अगमें ही चुको है उनकी मंजूरी अगमें ही चुकी है हाँ ये है तो उनके नीलाम किया अगस्त के पेरे हफ्ते में यह नीलामी थी इन वक्त उनको है समूरो पेपर वर्क बुधा वो तो तेजी से मुकम्मल थियण के मरहले में है अड़ी रीत एक बी जी परेशान कदड़ खबर यह है तो खंड जो उन्होंने इशारो
जैसे खंड महंगी थी वही खंड की खोट पैदा थी तो एक्सपोर्ट कमेटी उन्होंने कायम कई है। एक्सपोर्ट कमेटी वह कहती है जैसे असें मुल्क में खंड खत्म थी वी या शॉर्ट थी वी या महंगी थी वी तो वह एक्सपोर्ट कमेटी जो वो परदे में खंड घुराइंदी। यो अलग बहस है तो पा गए सूंता पर जहर बू भी खबरों पर गो है यो तो उन्होंने अलर्ट दिनों अस हाँ गुजर साल कणक मौजूद होजन के बावजूद भी जो वो कणक घुराई वही उनमें जीत हुआ अरबे रुपये की कणक हुई वह बिना कें कम की हुई उन वो यो कणक स्कैंडल अजा तीन हले पे जैमें अगूरी जो निगरान सेटअप है वजीर आजम जो अनवर उल काकड़ साहब का वही काबीना मेंबर भी उनमें जो वक्त जवाबदार तौर पेश उनकी जांच अजा तीन हले पी हाँ इन्होंने इशारो दिनों है तो थी सके इन साल अस खंड के गायब करूँ खंड पे भी गायब थी पे खंड तक 40 रुपया किलो मिली जैसे खंड शॉर्ट थी वही तो हाँ वह विच में जो वो खंड 150 रुपये तीन 200 रुपये किलो तीन वही पौती हुई। अगत पीपल्स पार्टी को मौकुफ़ यो हो ऑपरेशन अजमेर इस्तेकाम के हवाले से अस खदशा मौजूद हुआ अस एतराज भी मौजूद हुआ उन बावजूद भी अस इन हिमायत क्यों था गडो गड उन मौके असके वजीर इस्तेकाम वारा ख्वाजा आसिफ़ साहब उन्होंने यो चयो तो सूबा जो है ऑपरेशन में पांजो हिस्सो दियन असके ऑपरेशन अजमेर इस्तेकाम जो है उनमें सूबा अस माली सपोर्ट कन समूरा सूबा इनमें जो है असके मुख्तलिफ मामलन में न रुगो मुख्तलिफ मामलन में पर माली सपोर्ट से उन्होंने जोर दिनों उन्होंने यह आगाही दिनी तो जो ऑपरेशन अजमेर इस्तेकाम यो बलोचिस्तान केपी के इलाक में थो घने भांगे इतने तो बेन सूबन जो उन्होंने जिक्र न किया तो उत्त सूरतयाल होंगी पर जो मर्कज़ होंगे ऑपरेशन अजमेर इस्तेकाम जो वो केपी के बलोचिस्तान हों अगत पा गर्मी की गाल कंदी गर्मी की सट न सहन सबब कल कराची में टे जणा फोत थी वह ये टे जणा उ फोत थे जिनो रिकॉर्ड मतलब तो मीडिया में आयो है उनखा ईदी जे रजाकार ईदी सेंटर के तरफा अस अंग अखर मिलिया उन्होंने बुधा तो असा टिन ढीन के अंदर 300 लाश अस खया जे 300 लाश ईदी सेंटर अंदा वह मीठादर कोरंगी सोराब गोठ जो उनके ईदी ज मुर्दाखाना उत्ते टिन ढीन के अंदर 300 का लाश आया जिनके गुसल कफन दिनों वो कलो के ढी में सिर्फ कल के ढी में 150 का मू जो ईदी एम्बुलेंस के जरिए तमाम निगहदाश्त वाली हालत में हीट वेव के कर गर्मी की सट न सहन सब तमाम नाजुक हालत में उनके अस्पताल में दाखिल किया वो कराची में सूरत हाल तमाम घनी खराब है उत्तर ज़ाहरा मौसम तब्दीलू कुछ असर कन्न गडो गड उत्त ज़ाहरा गाड़ियों बया मामला उत्तर ओपन एरिया ना तो उत्त हीट वेव जो मामलो कुछ थो है गुजर एक हफ्ते का वही जो है वो हीट वेव जो तमाम घना असर सिज दिखारे रो है गडो गड कल अस तक बुधासी तो सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जो है 600 का लाश जो है वो ईदी सेंटर आंदा वह तमाम सूरत हाल कराची में खराब है इन वक्त कराची में दाहूँ थन पी कल रात का वी न रुगो कराची या शहरी पर सोशल मीडिया भर पो है मीडिया भी जो दाह कर रो है तो भाई सेहत खातो किथे आए हुकूमत हि जे समूरा मामला अजा ताई इन वक्त ताई भी जैसे अस लाइव तहाँ वनू पाड़े सेकेंड जो फर्क ना इन वक्त ताई भी खबरू ये तो सजे कराची में किथे भी हीट वेव का बचाव के लिए का कैम्प न लगी है जिले इंतजामिया के तरफा या हुकूमत के तरफा न किथे कोई अड़ो को मतलब त थदे पानी जो कूलर रखा वह न उन बचाव के लिए न मानून के जो है रिलीफ दिनो वो है न अस्पताल में उसे सहूलतूँ या उसे यूनिट कायम किया वह जैसा एमरजेंसी में मानून के जो है हीट वेव का बचा सकते उनके सेट कर सकते अगत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल कौमी असेंबली जो इजलास हो उनमें पाँच खिताब किया हुकूमत जो है असें एतमाद में न वरतो वो ही सगो उन्हें मयार दिनी हुकूमत के दहशतगर्दन के खिलाफ कदड़ो तकड़ो असो कदम खो है असि के जो एतमाद में वो पव सी एतमाद में वही अगत हलण पव हुकूमत ना इशारो किया गो गड यो भी उन्होंने तो मीसा के मईशत जी मीसा के मईशत में कें जी भी डिक्टेशन जो है वह कबूल न होंगी कें जी भी डिक्टेशन जो है न होजन घुर्ज बिलावल भुट्टो साहब तमाम सुठी कल तकरीर कई हुई मुख्तलिफ़ मौजुन से उन्होंने गलो वो हमेशा कावड़ में गलाइंदा सिस्टम से थोड़ो घो इन वक्त कावड़ल न रुगो वफाकी हुकूमत पर पाँच सिंध हुकूमत से भी कावड़ल मुख्तलिफ़ वक्त जैसे तकरीर उन्होंने कई है गुजल हफ्ते में टे चार जलसा क्या तो उन्होंने फैक्ट फिगर्स से गलो है जो तमाम खुश है सुठी गाल है अगत तो सिंध हुकूमत जो कल सिंध असेंबली जो इजलास हो सिंध असेंबली के इजलास में यो एतराफ़ किया वो तो सजी सिंध में 40 लख का बार स्कूल का बाहर
इहो सिंध हुकूमत पाण एतिराफ़ कयो, समूरा अंग अखर पेश कया विया त केतिरा ॿार स्कूल में आहिनि, केतिरा ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। ऐं तालीम वारो वज़ीर सरदार शाह साहिबु जेको आहे उन्हनि अंग अखर बि ॾिना, उन्हनि ॿुधायो त असांखे जेको आहे बजट हेतिरी आहे। ऐं उनखां सम्झो त 80% जेको उन्हनि अंग अखर ॾिना, 80% जेको आहे उहो जेको बजट आहे उहा पघारुनि में वञे थी, पेंशन में वञे थी, ऐं 20% जेको आहे उहो एजुकेशन ते पहुचे थी। उन्हनि ॿुधायो त असां फी ॿार ते सरकारी स्कूल में फी ॿार ते 80,000 रुपया पर मंथ ख़र्च कयूं था। 80,000 रुपया पर मंथ तव्हांजो ॿारु जेको सरकारी स्कूल में वञे थो उन ते ख़र्च थिए थो। हाणे तव्हांखे पाण खे इहा कैलकुलेशन करणी आहे त 80,000 रुपया जॾहिं तव्हांजे ॿार ते हुकूमत ख़र्च करे थी त उहो ॿारु उनजी एजुकेशन जो मयारु केतिरो आहे, उन स्कूल में सहूलियतूं केतिरियूं आहिनि, उनजी केरियर जेका डेवलपमेंट आहे उहा केतिरी थी थिए, उनखे जेको सॼो मामला आहिनि जेके सॼी जेके दोस्त असांखे भेनरूं माइरूं सभु ॾिसनि पियूं, उन हाणे उनखे मापियुनि हिकिड़ो एहतसाब जो अमल कनि त तव्हांजे ॿार त महीने में 80,000 रुपया ख़र्च थियनि था त तव्हांजो ॿारु हिन वक़्तु बीठल किथे आहे। ऐं उनखां पोइ तालीम खातो जेको आहे जेका दावा करे पियो उहो पंहिंजी दावा में केतिरो सचो आहे, थोरो इन ते तव्हां ज़रूरु गौर कजो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजे ज़हन में का ॻाल्हि आहे त फ़ोन कॉल करे तव्हां हिन प्रोग्राम में शामिलु बि थी सघो था। सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त फी ॿार ते असां 80,000 रुपया ख़र्च कयूं था। गॾो गॾु हुननि इहो बि ॿुधायो त ॿोॾि जे करे स्कूल तमामु घणा लुढ़ी विया आहिनि ऐं स्कूलनि जी जेको आहे असां डेवलपमेंट न पिया कराए सघूं, बजट जो जेको आहे उहो खसारो आहे, असां वटि बजट एतिरी पूरी न आहे। ऐं पोइ असां कीअं मतिलबु त असां वधीक ॿारनि खे पढ़ाए सघूं, स्कूलनि जी सहूलियतूं ॾेई सघूं, स्कूल तामीर कराए सघूं। मूं वटि अंग अखर कल्ह ताईं त मौजूदु हुआ, हींअर छाकाणि जो प्रोग्राम जे हवाले सां ओचितो इहा ॻाल्हि निकिती आहे, त इन करे जेके फिक्स फिगर्स जेके तालीम खाते जे वज़ीर सरदार शाह पेश कया आहिनि उहो मां तव्हांखे ॿुधायां त केतिरी बजट जेको आहे केतिरी हुन में वञे थी। मां तव्हांखे अॻिते हली ॿुधायां थो, हथ अची वेंदा, पर जेको फिलेलेखे ॻाल्हि जेका आहे त उहो 80,000 रुपया फी मंथ तव्हांजो ॿारु जेको आहे उहो हुकूमत खां खणे थो। इन ते तव्हां थोरो गौर वीचार कयो। अगस्त में स्कूल खुली रहिया आहिनि ऐं तव्हां वञी उन स्कूल में वञो, हेडमास्टर खां उन इंतिज़ामिया खां पुछो त असांजे ॿार ते तव्हां जेको हुकूमत दावा करे थी तव्हां उहा महिनत छो नथा कयो, तव्हां उहे सहूलियतूं छो नथा ॾियो, तव्हां किताब छो नथा चयो, ऐं जेके हुकूमती दावाऊं आहिनि जेके हुकूमती सहूलियतूं आहिनि तव्हांजे ॿार खे छो नथियूं मिलनि। जेसिताईं तव्हां पाण न उथंदा तेसिताईं तव्हांजो ॿारु तालीम याफ़्ता न थींदो, तेसिताईं हीअ सिंध धरती तालीम याफ़्ता न थींदी, तेसिताईं जेको आहे हीअ कबीलाई झेड़नि में असांजूं नसलूं जेको आहे नसलुनि जूं नसलूं बर्बादु थींदियूं, ज़मीनुनि जे झेड़नि में असांजो नसलुनि जूं नसलूं बर्बादु थींदियूं, नशनि में मंशियात में असांजो जेका असांजा जेके आहिनि नसुल जेके आहिनि उहे तबाह थींदा, ऐं गॾो गॾु असांजा नसुल जेके आहे ईअं ई पंहिंजो खंभिया वेंदा, ईअं ई जेको आहे झेड़नि में मारिजी वेंदा। खोड़ न ते ॻाल्हाए सघिजे थो, पाण वधीक अॻिते न ते ॻाल्हायूं था। सखर बैराज जो ज़िक्र कंदासीं त सखर बैराज जे हवाले सां जाम खान छोरो साहब कल्ह सिंध असेंबली जे इजलास में ब्रीफिंग ॾिनी, हुननि ॿुधायो त असां हीअं हीअं महिनत कई आहे, पर हुननि इहो चयो त असांखे अञा बि 8 ॾींहं लॻंदा सखर बैराज खे फंक्शनल करण में। हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे, हिन ते पाण ॻाल्हाए सघूं था, पर हुननि चयो आहे त 8 ॾींहं लॻंदा। गॾो गॾु इहा बि ख़बर आहे त दर नंबर 47 लॻण में मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि, हुते को टेक्निकल मसला आहिनि, हिन जे करे अञा ताईं सिर्फ़ु दर लॻण में बि जेको आहे उहो फंक्शनल थियण जी त हुननि 8 ॾींहं ॻाल्हि कई आहे, पर जेके हुतां जा लोकल रिपोर्टर्स आहिनि असांजा जेके ॿुधाइनि था मेहरान टीवी जा त हुते दर लॻण में तमामु घणियूं मुश्किलातूं आहिनि। घटि में घटि अञा 2 खां 3 ॾींहं सिर्फ़ु हिन दर जी फिटिंग में लॻंदा, अञा दर हुते फिटी न थियो आहे। अहिड़ी रीति पाण हलंदासीं सिंध असेंबली जे इजलास जी ॻाल्हि कंदासीं त सिंध हुकूमत जेको आहे वफ़ाक़ खां NFC एवार्ड जो जेको आहे मुतालबो कयो आहे। NFC एवार्ड सूबनि खे जेको आहे वफ़ाक़ जे तरफ़ां मिलंदड़ हिकिड़ी ग्रांट हूंदी आहे, जेका मखसूस ग्रांट हूंदी आहे, उहा हिसे वाइज़ जेको आहे ॾिनी वेंदी आहे। उन मां जेको आहे वफ़ाक़ जे सूबाई हुकूमतूं पंहिंजा कमकार कंदियूं आहिनि, पंहिंजा प्रोजेक्ट्स, पंहिंजा तरक़ियाती कम ऐं ॿिया जेके हुनजा हूंदा आहिनि प्रोजेक्ट्स हूंदा आहिनि या रिलीफ हूंदा आहिनि उहो ॾींदा आहिनि। NFC एवार्ड ते सदाई सिंध सां जेको आहे जहिड़ो थींदो रहंदो आहे, सिंध सां वेधन कयो वेंदो आहे, सिंध सां ॿ अखियाई कई वेंदी आहे, कॾहिं न ॾिनो वेंदो आहे, कॾहिं ॾिनो वेंदो आहे त उहो हुनखे पंहिंजे हिसाब जे हिसे जे मुताबिक़ न ॾिनो वेंदो आहे। कल्ह NFC एवार्ड जे हवाले सां सिंध मुतालबो कयो आहे त असांखे NFC एवार्ड ॾिनो वञे, NFC एवार्ड जी रक़म असांखे ॾिनी वञे त असां पंहिंजा कम अॻिते वधायूं। अहिड़ी रीति अॻिते वधंदासीं, लाड़काणे पाण हलंदासीं। लाड़काणे में कल्ह जेको आहे दरंदगी जी इंतिहा थी आहे, वहशतनाक जेको आहे जेके असांजा जवाबदार आहिनि उन्हनि जी इंतिहा थी आहे। हिकु वर्दीअ में जेको आहे उहो तशदुद जो निशानो बणायो वियो आहे ॿिनि नौजवाननि खे। थियो ईअं आहे त बाढ़ जो SHO आहे रहमत सोलंगी, उन जे पुटनि ॿिनि नौजवाननि खे खंभियो आहे, उनखे खणी लॉकअप में खणी आया आहिनि, थाणे ते लॉकअप में उन्हनि खे बंदि करे ऐं उन्हनि खे सख़्तु तशदुद जो निशानो बणायो आहे, उन्हनि खे मर्निंग कयो आहे। को केस हुजे, जवाबदार हुजे त ॻाल्हि ज़हन में वेहे थी, पर SHO जा पुट ऐं ईअं बदमाशी करे ऐं वञी ॿिनि मतिलबु बेगुनाह भाइरनि खे, सॻनि भाइरनि खे खणी अचनि
लॉकअप में मतलब त पुलिस जी ज्यूरिडिक्शन पुलिस जो समूरो स्क्वाड इस्तेमाल कन थानो इस्तेमाल कन तो आई जी गुलाम नबी मेमण साहब तहां के मतलब त मुझे हिसाब से तो शायद सुतल आयो या तहां के वधिक जान कोने या वरी तहां जेको है पांजे मामलन में फेल आयो तहां इंतजामिया संभाले नथा सको जदे एसएचओ जा पुट एतरी बदमाशी कन तहां जा थाना जेको है वो टॉर्चर सेल जे तौर ते इस्तेमाल कन त जरूर इन ते असा घणो कुछ गलाए सकूं था पर घट गलायो या चंदा न थुले लेखे तहां घणो समझंदा सो तमाम या अफसोसनाक सूरत हाल है बिन नौजवानन के उनन मर्निंग कयो है उनकी हालत तमाम नाजुक है एसएचओ ए पुटन जेको है बदमाशी कंदे जेको है उनके जेके पठान बिरादरी असा भाईर आन एसएचओ आयो रहमत सोलंगी तहां सिर्फ यही कार्रवाई कई है तहां पान तो नोटिस न वरतो है डीआईजी साहब बस जदे मीडिया ते खबर आई तो उन नोटिस वरतो तहां चयो असा जांच कयो जांच कमेटी कायम कई है रिवायत या सिर्फ जांच कमेटी कायम कई है जडे त ये वीडियोज भी वायरल थी चुकी हैं जवाबदार भी थी चुका समूर मामलो है तदा इन बावजूद भी तुम ये क्या तो सुबह कें भी एसएचओ पुट जो रोड से बीह के मानू के कतल कद तद सिर्फ जांच कमेटी कायम कर जाहिर कमांड तुम हथ में आ सजी सिंध तहां दिसे थी अगत वी कीनिया की गाल कंदी कीनिया में आईएमएफ के मुताबिक जी अस वो टैक्सिस वाया वह आईएमएफ के मुतालबे से इं कीनिया में जो है टैक्सिस वाया वह तो तुम आवाम जो है रोडन से निकली आयो है कलो के ढीह के हवाले से खबरू यहां त मच्छर आवाम सजे मुल्क में वगोड़ कया उत बाहू डी वन पार्लियामेंट के भी मुकम्मल तौर से उन्होंने आवाम बाहर दई छो है गडो गड गवर्नर हाउस भी सड़ी वो है इन वगोड़न में अरड़ा मुजाहरीन मार वक्त भी उत वगोड़न वाली सूरत हाल है वगोड़ तमाम खतरनाक है उत सरकारी इमारतों के बाहू डी वन गवर्नर हाउस ए पार्लियामेंट तो जाहिर लीडिंग न्यूज़ में शामिल थन पर समूर जी सरकारी इमारतों उनके नुकसान पहुँचा है रिकॉर्ड के बाहर डी वही है गड़ो गड जी उतना चूंडल नुमाइंदा उनके जो है तशद जो निशानो बनाया वो है मुल्क में एमरजेंसी लागू कई वही है कीनिया में पर वक्त ताई विगोड़न से जब्तो न अची सको है शहीद जानमोहन महर केस की पा जो जिक्र कंदी त पुलिस तरफा मोहलत घुरी वही जैसे कर कल केस की बुधनी हुई पर जवाबदार फर्द जुर्म लागू न थी सको जरे घट साल थोड़ा है 14 अगस्त की रात जो है शहीद जानमोहन महर के जो है वो शहीद किया वो विच रोड से सखर के विच चौराहे से पैं ऑफिस का वापस वेंदे इन वक्त ताई उन खून से इंसाफ न थी सको है जैं सुस्त रफ्तारी से केस हल पो उन असा सभी के खचा जैं हिसाब से वो FIR कटी है जैं हिसाब से यो केस हल पो जरूर अजा ताई अलमियो यो है तो 11 महीना थी वह अजा ताई जवाबदार जो मुख्य जवाबदार उ गिरफ्तार न थी सकिया तोड़े जो उ जवाबदार सखर शहर में वेठल न एतरो के एतरा दुखियाई है पर जरूर इन समूरे मामले से भी जो है सहाफती हल्कन में ताव पखड़ल है अफसोसनाक सूरत हाल है जरूर यो मैसेज वे तो उ पुलिस के हवाले से ही है जैसे तहाँ कानून की रिट कमजोर होंगी तो ये ही मामला हल्दा यो ही जो है सो कार व्यवहार इं ही हलो सो ये खोड़ खबरू हैं जे तिक्र क्योंसि खोड़ मामला अजा तो पा उनते ऐसी गडो गड मेहमान भी मौजूद हैं उन पा कचहरी कदी तहाँ प्रोग्राम में शामिल थन्दा पर प्रोग्राम में एक ब्रेक जो टाइम थोड़ा नंबर ब्रेक है ब्रेक का जल्दी वापस अचूँ ऐसा रहो सुबह मेहरान नाजिन सुबह मेहरान में एक भेर बेहर भलीकार खबरों के सिलसिले का आगाह कयोसीं खबरों तक बुधायूसी जैसे सिंध की गाल जैसे मानून से जैसे जुल्म की गाल अस कुछ घणा ही जज्बाती थी वेंदा आयूं जैसे जाहिर मामलन से गहरी नजर होंदी है तो अखियों रत जा गोड़ा ही दिल जो है रत जा गोड़ा रोंद है ये उधमा असा पैदा थन्दा वेठे वेठे जो उधमा हूँ हि जो है अख जो है असा मतलब त अखियन में लुड़क हूँ रोंदी रही है सो हलूँ था मेहमान ना मेहमान जो तक तारुफ़ करायूँ इन वक्त स्टूडियो में मुझे जैसे जॉइन किया है पा खूबसूरत रागी नौजवान रागी तमाम सुठो परफॉर्म कंदा तमाम सुठी सिलेक्शन कलेक्शन रखा अखलाक अहमद हैदरी साहब उनके असा भलीकार चूं था कि ठीक आयो तक सुबह मेहरान में भलीकार चूं था साणन गड सदन नंढो भा है वो भी नौजवान है तबाह आजमाई कर रो है राग की दुनिया में उन पेर पातो है अरसलान अली हैदरी साहब उनके भलीकार चूं था तक सुबह मेहरान में भलीकार कि ठीक आयो गड गड साई अस ढोलक जो दोस्त मौजूद है अली हसन उर्फ ढोलियो त
तमाम सीनियर ढोलक नवाज, तमाम खूबसूरत, तमाम पांजो माठिनी तबियो जो मालिक असो चाचो है ढोलियो साहब। ढोलियो साहब असा तक दिल की गहराइन से भलीकार चूं था, खुश आयो, ठीक आयो। ही समूरा दोस्त जो तमाम परे का पंध कर आया हैं, वह तो हैदराबाद के वेझो है पर जाहिर सफर है, सुबह सवेर निकरण इन प्रोग्राम में पहुँचण या कमिटमेंट तहसाएं तहाँ धरतीवासिन से है तो अस उत वही लाइव थियूँ प्रोग्राम में शामिल थियूँ। सुबह सवेर तुम निकता टंडो बागो में इतने पौता असा तुम सभी के दिल की गहराइन से भलीकार चूं था। छो न अरसलान पे अरसलान का शुरुआत क्यों पा अरसलान तुम बुधाइंदा पाँच कें शुरुआत कह माइक खड़ो प्लीज। वाह वाह बेटा ही भाई शुरुआत करना बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। हो पेरे पवन दी सान चवन दी सान, पेरे पवन दी सान चवन दी सान, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, पेरे पवन दी सान न चवन दी सान, पेरे पवन दी सान न चवन दी सान, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, पेरे पवन दी सान। उठत आर्य जाम जाला, उठत आर्य जाम जा, 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 हक वागू वठंदी सान चवंदी सान, वागू वठंदी सान चवंदी सान, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, पेरे पवंदी सान। रोज़ो पाक रसूल जो लाला, रोज़ो पाक रसूल जो सुने रसूल जो मिछड़े रसूल जो प्यारे रसूल जो चाठ चुमंदी सान चवंदी सान, चाठ चुमंदी सान चवंदी सान, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, पेरे पवंदी सान चवंदी सान, पेरे पवंदी सान चवंदी सान, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, मेरे पवन दी सान। अदियों शाह लतीफ चेला, लतीफ चे सुनो लतीफ चे बिछड़ो लतीफ चे प्यारो लतीफ चे बिछजो लतीफ चे, लोच लहंदी सान चवंदी सान, लोच लहंदी सान चवंदी सान, अल्लाह रही वन रात बंबोर में, अल्लाह रही वन रात बंबोर।
खूबसूरत कंहिंजा शागिर्द आहियो, किथां राग जी सिखिया हासिल कई आहे? मुंहिंजो भाउ आहे, उहो जेको आहे मुंहिंजो उस्तादु आहे। वाह 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 वाह, सिखंदा आहे। वाह वाह, बाबा राशिद हैदरी उस्तादु आहे मुंहिंजो, सभु जेको मुंहिंजो थियलु आहे बाबा राशिद हैदरी। राशिद हैदरी साहिबु खां थियलु आहे। राशिद हैदरी साहिबु तमामु वॾो नालो ऐं तमामु ख़ूबसूरत रागी, ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत। ऐं असांखे इहा बि ख़ुशी आहे त हू जेके बि हिते राग आहिनि उन्हनि हिते रिकॉर्ड कया आहिनि मेहरान टीवी जे हिन ई स्टूडियो में वेही, ऐं उन्हनि जी सुञाणप बि जेको आहे उहो मेहरान टीवी आहे। सो ज़ाहिर आहे उनजा जॾहिं शागिर्द अचनि था त अञा असांखे वधीक ख़ुशी थिए थी। ऐं तव्हां छा था ॿुधायो? कल हिते जा आई हुई केडी सुंदर माई हुई, कल हिते जा आई हुई केडी सुंदर माई हुई, केडी सुंदर माई हुई, कल हिते जा आई हुई केडी सुंदर माई हुई, केडी सुंदर माई हुई। अंदर मां कजाई उफ, अंदर मां कजाई उफ, अंदर मां कजाई जन का भिटाई जीवाई हुई, जन का भिटाई दिवाई हुई, केडी सुंदर माई हुई, केडी सुंदर माई हुई, काले हिते जा आई हुई केडी सुंदर माई हुई, केडी हथ हजारन ये फैलाए, हथ हजारन ये फैलाए, हथ हजारन ये फैलाए, पिन दी पाई पाई हुई, पाई पाई हुई केडी सुंदर माई हुई, केडी सुंदर माई हुई, काले हिते जा आई हुई केडी सुंदर माई हुई, केडी सुंदर माई। गैर बहुंदे इहे लॻी ॼण,
गैर बहुंदे इं लगी जन गैर बहुंदे इं लगी जन मुझी पहजी जाई हुई मुझी पहजी जाई हुई केडी सुंदर माई हुई केडी सुंदर माई हुई काले हिते जा आई हुई केडी सुंदर माई साहब साईं चाचो ढोलियो उन त वाकई मतलब त ढोलक या ढोल मतलब वाजट वजाए छॾियां तमामु खूबसूरत महफ़िल जमी चुकी आहे पर ब्रेक लाइ चयो पियो वञे ब्रेक बि ज़रूरी आहे सुञाणे नंढो ब्रेक आहे ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसि अचूं था ॾिसंदा रहो सुबुह में राण नाज़िन सुबह मेहरान में हिकु भेरो ॿीहर भली कर तमामु ख़ूबसूरत महफ़िल नौजवान दोस्त असांजा ऐं नौजवान रागी तमामु ख़ूबसूरत हिननि जी सलेक्शन ऐं गॾोगॾु तव्हांजो साथ तव्हांजो फ़ोन कॉल्स जो सिलसिलो बि असां वटि जारी आहे तव्हांखे प्रोग्राम में शामिलु कयूं था पर हिननि ॿिनि कलाक कलामनि में हिननि नौजवाननि जेको आहे पंहिंजो जोबन पे ॾेखारिया पंहिंजे आवाज़ या जादू पे ॾेखारिया सो तव्हांजे तव्हांखे प्रोग्राम में शामिलु कयूं था हलूं था नौजवान अरसलान अली हैदरी ॾांहुं त ॾिसूं त हींअर छा असांखे छा था ॿुधाइनि जी अरसलान वाह सीर मुई आओ हली आओ हलिया तू नाही तही चंग चढ़ो चंड न देसा ए सीर मुई आओ हली आओ हलिया ए सीर मुई आओ हली आओ हलिया जाग बिहा आग बिहा राग भी आया है राग भी आया मां जाग बिहा आग बिहा राग भी आया है राग भी आया सचूब संदम संग बिठाए संदम भा ऐ सीर मुई आओ हली आओ हलिया सीर मुई आओ हली आओ हलिया तू नाही तही चंग चढ़ो चंद न देसा ए सीर मुई आओ हली आओ हलिया ए सीर मुई आओ हली आओ हलिया जानब कुर्बान मुड़ी मोट न चारण है मोट न चारण जानब कुर्बान मुड़ी मोट न चारण है मोट न चारण इंसान ते ईमान रखी चंग खड़ी आ ऐसी रमुई आओ हली आओ हलिया ऐसी रमुई आओ चंग चढ़ो चंड न देसा ऐ सीर मुई आओ हली आओ हलिया ऐ सीर मुई आओ हली आओ हलिया हिंदू ॾिठी सिंधू ॾिठी सच चवण ला है सच चवण ला
चवण ला एक शेख आया जाहे जण्यो बियो न किथे मां خوبصورت ہی تا شاعری یاد کیا کنا ہو بس یہ جھنگار کرے یاد کرے چھینا اچھا ایجوکیشن چھائے تا جی تعلیم حاصل کیو پیا نہ پیا صرف ہن پاسے ہی آیو نا ایجوکیشن دے حوالے سان اونر میٹرک کلاس میں آیو ہاں اچھا تعلیم دے حوالے سان ماشاءاللہ الحمدللہ ٹنڈو باغو جی گورنمنٹ ہائی سکول ٹنڈو باغو اجے تے بہترین استاد صاحباں ہیں ائی جکو ڈسٹرکٹ لیول میں جکے کمپٹیشن دینا الحمدللہ डिस्ट्रिक्ट में जेके पोजीशन थन आ ही फर्स्ट पोजीशन विनर है तकरीबन सबनी पोजीशन इनमें सबनी में जेको है सिंगिंग में ता फर्स्ट पोजीशन सिंगिंग में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल दे मना टंडो गुलामली मातली सब जेके शहर वा उन सबनी मन्या फर्स्ट पोजीशन मुजी आई वाह वाह तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मैट्रिक जो नौजवान नहीं जो ता आवाज दिसो उन का पो ता जी सिलेक्शन दिसो की है उनके अच्छा बुक्स ता की मतलब याद की कंदा असा का ये मजमून याद कोन थिंदा वा रखो पे अनदा सी समरी वॉइस ऑफ गॉड पे नजम याद कंदा सी कि में लीम ट्री पे याद कंदा सी ता की नजम बता आऊं ये याद कंदो मतलब पढदो इन जुंगारी नो या पो केरी माल किथे बैठा होते वे जुंगारी के माल किथे बैठा के मा बुद्धि जुंगारी मना ये याद थिंदो बाकी हूं याद कोन करया मना जी दिसी लफ्ज याद कबा ये याद कोन करया जुंगारी याद कंदा मुगे मना तदी से याद पकी थी वनी ठीक अच्छा पो ता डेली मतलब ये रियाज भी कंदा आयो डेली ता रूटीन छा हुंदी आ असला बस रूटीन इया है जो सुबह सान उठना आयो भाई उनसा गद याद वगैरह कदा आयो उनका बाद कंप्यूटर वगैरह उते विंदा आयो कंप्यूटर ये तालीम हासिल करूंगा जबरदस्त के अलावा पो रात जे टाइम जो रियाज कंदा आयो उस्ताद वारन सा मे भा पे जो उस्ताद आ उस्ताद ढोले वाला उन सबनी दा रियाज कंदा आयो राग वगैरह सब ये सब सिखूंगा उस्ताद वारन सा तमाम खूबसूरत जे भी असान नौजवान दिसन पाया उन नौजवान रोल मॉडल आ जिते तुम मोकलों में रात जो देर ती सजी सजी रात मां रात भी डिठम पे तो नौजवान वेठा होटलों में शीशो पे वेही पीन मोबाइल पे हलन गेमुन में वेठा सजो ढी तुता पे आते ही नौजवान तत्साह सबब है जो सुबह सवेर उथे उनकी शौक है जो राग है उनके भी टाइम दिए उन कंप्यूटर की तालीम हासिल करें मैट्रिक क्लास जो ही नौजवान आ उनखां पोइ वरी जेको आहे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल बदीन लेवल ते जेके बि हिन वक़्त ताईं मुक़ाबला थिया आहिनि उन्हनि में हू टॉप पोज़ीशन हासिलु करे तमामु नंढड़ी उमिरि में ऐं एॾो वॾो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं उनखां पोइ एॾा वॾा अवॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल ते हू पंहिंजे पूरे ज़िले जी नुमाइंदगी करे त ज़ाहिर आहे हिनजी महिनत आहे हिनजे वालदेन जी महिनत आहे हिनजे उस्तादनि जी महिनत आहे ऐं उन्हनि खे जस वञे थो समूरी टीम जेका मेहरान टीवी जी सुबुह मेहरान जी टीम आहे उनखे जस ॾिए थी अख़लाक़ साहिबु ॾाहींदा जी अख़लाक़ साहिबु तव्हां कॾहिं खां हिन दुनिया में पेर पातो आहे साईं आऊं असल में जंहिं टाइम ते स्कूल में पढ़ंदो हुउसि उन टाइम खां ई थोरो घणो शौक़ु त हूंदो हुओ जी हा पोइ असां वटि हुते स्कूल में ऐं ओरियंट पब्लिक स्कूल चवंदो भाॻो उतां प्राइवेट ई आहे जी हा पर उतां मूं इंटर ताईं आऊं उते ई पढ़ियसि पोइ उते साईं ज़रार आहे साईं ज़रार रुस्तमाणी जेको मौली हाजीवंद मला जो तक़रीबन ज़्यादातर ते मौली हाजीवंद मला में ईअं खणी सम्झो तव्हां जी हा ज़बरदस्त मूंखे ॼाण आहे त साईं ज़रार आसे पासे में बिल्कुलु पाण ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था न्यूज़ ब्रेक आहे ख़बरूं ॿुधी वरी वापसि अचूं नाज़रीन न्यूज़ स्टूडियो ॾे हलूं था ख़बरूं ॿुधी जल्दी वापसि अचूं था ॾिसंदा नाज़रीन सुबुह मेहरान में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ऐं तमामु ख़ूबसूरत महफ़िल तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ हलूं था रांदियुनि जी सूरत हाल लाइ ऐं रांदियुनि में कल्ह ईअं थियो आहे त T20 वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान जेको आहे बांग्लादेश खे शिकस्त ॾिनी 8 runs हूंदा हुआ तव्हांखे असां कल्ह ई प्रोग्राम में जीअं ई इहो मामिलो थियो त तव्हांखे आगाह कयोसीं अफ़गानिस्तान तारीख़ रक़म करे छॾी आहे कल्ह खां वठी अफ़गानिस्तान में मुल्क में जशन मल्हायो पियो वञे लखे माण्हू रोडनि ते निकितल आहिनि ऐं पंहिंजी टीम खे साराए रहिया आहिनि वर्ल्ड कप जी तारीख़ में पहिरियों पहिरियों अफ़गानिस्तान जी टीम T20 वर्ल्ड कप जे सेमीफाइनल में पहुती आहे सो हिन समूरे मामले ते पाण रांदियुनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे SM नदीम साहिबु पाण रांदियुनि जे हवाले सां एक्सपर्ट आहिनि पाण फिज़िकल एजुकेशन जे हवाले सां एक्सपर्ट आहिनि तमामु सुठो तज़ियो कंदा आहिनि सो SM नदीम साहिब खे दिलि जी गहराइनि सां सुबुह मेहरान में भलीकार चऊं था SM नदीम साहिबु कैसे आहियां आप कैसे हैं अपना कहाँ गायब हैं आप स्टूडियो में नहीं आ रहे फोन पे मतलब ऑनलाइन आप जो है तजिया पेश कर रहे हैं बस असाइनमेंट मिली हुई है तो उसमें बिजी हैं थोड़ा सा
जी हाँ इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके बाद, कल परसों हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अफगानिस्तान ने तो तारीख रकम कर दी है, वो सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। जी जी बिल्कुल, देखें ये भी एक लॉन्ग जर्नी है, कोई इतना आसान नहीं होता। अफगानिस्तान जो है मुसलसल जो है वो उनके प्लेयर्स उनका बोर्ड इसी स्ट्रगल में ताकि वो अपने आप को जो है वर्ल्ड वाइड जो कोई अपना नाम लोहा मनवाए, वो उन्होंने जो कल तो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी पहले, ठीक है ना, उसके बाद कल बांग्लादेश को हरा कर उन्होंने सेमीफाइनल के लिए जो क्वालिफाई किया और इस तारीख रकम कर दी। तो मेरी तरफ से भी और हमारे तमाम पाकिस्तानी की तरफ से अफगानिस्तान को मुबारकबाद हो और अच्छा गेम पेश किया उन्होंने। देखा इन के प्लेयर्स जो है वो ज्यादातर लीग खेलते हैं, दुनिया की तमाम लीग खेलते हैं, कोई BPL खेलता है, कोई PSL खेलता है, कोई IPL खेलता है, तो वो एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पर जो है अपना शो किया है जिसकी वजह से इनकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची है। अच्छा सर, सेमीफाइनल में आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है और T20 वर्ल्ड कप किसके ट्रॉफी किसके हाथ में जा रही है? देखें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है तो उसमें जो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट है, किसी का अपना ओपिनियन होता है, मेरी राय अपनी ये है। जी हाँ। और इंग्लैंड जो है शायद जो वो इंडिया को शिकस्त दे देगा, तो मैं फाइनल देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, ये जो अफगानिस्तान की कामयाबी हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या मैसेज है ये? देखिए पाकिस्तान को मैसेज यही है कि अपने मुल्क के लिए खेलें, जो आपस के इख्तलाफात हैं या जो भी रंजिशें हैं या जो इश्यूज चल रहे हैं, अब आई डोंट नो उनमें कितनी सदाकत है, क्योंकि काफी जो सोशल मीडिया पर भी है और चीजें हैं और जो है वो काफी चीजें हो रही हैं साथ साथ, तो आप जो ये जो मुल्क के लिए एक जो बड़ा कारनामा होता है अगर आप वर्ल्ड कप जीते हैं या सेमीफाइनल में पहुंचते हैं या फाइनल खेलते हैं, हालांकि लास्ट जो है फाइनल खेला था इसका T20 वर्ल्ड कप का, और T20 वर्ल्ड कप ये नवा है, 8 जो हुए उसमें से 6 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और 3 में पाकिस्तान ने फाइनल खेला, एक दफा जीता है 2009 में, तो पाकिस्तान का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होना है, तो अभी से उसकी आप तैयारी करें और अच्छे प्लेयर्स जो है उनको लेकर आए, उनकी फिटनेस पर वर्कआउट करें, तो हमारे प्लेयर्स की फिटनेस का भी काफी इशू रहता है, कभी कोई अनफिट हो जाता है कभी कोई अनफिट हो जाता है, तो इस चीजों को ग्रास रूट लेवल से लेकर चले। आजकल U19 का भी टूर्नामेंट चला हुआ है TCB का, तो उसमें भी आप देखें टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं वो आप उनको जो है वो आगे प्रमोट करें, और एक जो है U19 से और जो डोमेस्टिक का जो गैप है उसको खत्म करने के लिए मेरी तजवीज है PCB को कि आप U23 का एक फॉर्मेट रखें बीच में, ताकि जो है वो गैप जो है थोड़ा कम हो और वो U23 में प्लेयर्स खेलकर और जो ग्रूम होकर जो है पाकिस्तान को सर्विस मिलते हैं। सही। अच्छा सर, अपना कोई प्लानिंग व्लानिंग तो हुई है, कोई कुछ हुआ है T20 वर्ल्ड कप, जब ये आ गए हैं बाहर और वतन वापस पहुंच चुके हैं, तो अब खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं उनकी? अभी तो ये रिसेंटली पहुंचे, 2-3 रोज पहले ही जो है तमाम प्लेयर जो है पाकिस्तान आए हैं, और उससे पहले जो है PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं जो वो बड़ी सर्जरी करने जा रहा हूँ, तो तमाम लोग जो इसी इंतजार में हैं कि वो सर्जरी क्या होगी और किस किस्म की होगी, आया उसमें मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं, प्लेयर शामिल हैं या जो कोचिंग स्टाफ शामिल है, तो वो देखते हैं 2-3 रोज के अंदर जो उसका रिजल्ट आउटपुट जो है हमारे सामने आ जाएगा। और अभी तो पाकिस्तान जो वो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आना है, उसकी तैयारियों में मसरूफ हो जाएगी, उसके बारे और पाकिस्तान की चाइनीज टीम जो है उसका भी कैंप लगा हुआ है, वो भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई टूर्नामेंट खेलने जा रही है। सही, ठीक है ठीक है। अशम नदीम साहब, और दूसरी टीमों के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखें ये जो टीमें आपने भी वर्ल्ड कप को फॉलो किया, हम सब लोग पूरी पाकिस्तानी कौम जो फॉलो कर रही है, ठीक है ना, तो जो प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो कम टीमों में नजर आता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में जो इस चीज की थोड़ी सी कमी रही जिसकी वजह से वो जो वो सुपर 8 में बाहर हो गए। कि आप देखें ऑन द डे आपने अपनी जो नर्व्स पर भी काबू रखना होता है, अपनी फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग इन पर जो वर्क करना होता है और अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो आप दोनों तीनों मैच जो है वो दो मैच जो इंडिया और US है वो जीते हुए मैचेज आ रहे हैं, कोई इतना उसमें मुजायका नहीं था। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे US को, उन्होंने जो वो
लग रहा था कि पाकिस्तान जो है 17-18 ओवर में जो वो स्कोर चेस कर लेगा, लेकिन एकदम में जो वो विकेट गिनना शुरू हुई और उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। तो देखें 25-26 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान की और तमाम लोग जो ज्यादातर लोग 90% लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच को फॉलो कर रहे होते हैं और पाकिस्तानी और इंडियन तो करते ही करते हैं। उसके अलावा दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है पसंद की जाती है उस कंट्री में भी इस मैच को जो है बहुत ज्यादा जो है वो हाइप मिलती है। तो ऐसे मैच हार जाना जो है फिर वो ऑडियंस समाचारी लोग दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे भी असर पड़ता है। तो इसमें जो है बेहतरी की गुंजाइश है और पाकिस्तान को चाहिए कि जो है नए सिरे से जो है वो तैयारी करें और जो है वो टीम को तैयार करके और जो फिर मुकाबला करें। सही, बहुत शुक्रिया एसएम नदीम साहब, आपने मुख्तलिफ मामलात पे आपने नज़र डाली और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। अल्लाह सिंह अखलाक साहब ना अखलाक खेतरी साहब छा बुधा शायर हालेपोटे जो नज़म लिखल है शहीद सिराजमंद हालेपोटो निभाने की कोशिश कई है। वाह वाह तमाम खूबसूरत, ये मुझे ख्याल में टंडो बागो से इन ताल्लुक है। शहीद प्रोफेसर सिराज हालेपोटो टंडे बागे जो शहीद थियो ही असल में थोड़ी घनी धुन थोड़ी घनी दिनल है शहीद सिराज मन हालेपोटो जी। वाह 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 तमाम खूबसूरत, जिन हक्का उन जो नालो वठन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके मंजा जरूर मिलन गो। बाकी नज़म जको वो शायर हालेपोटो जो है बिस्मिल्लाह। वडे सा
स्कूल पढ़ो तुही जो मूशो के बड़े शर्त रखी जेता सा शर्त कयम शायरी से ब्रेक जो भी टाइम थी पा पे ब्रेक वापस अचू वो शायरी के अगत नो ब्रेक है ब्रेक का जल्दी वापस अचू था केदा में वो दिसा रो सुबह में रहा नाजिन सुबह मेहरान में एक भेर बेहर भलीकार तमाम खूबसूरत महफिल जिक्र कदम अज जो आलमी ढी है 26 जून से सारी दुनिया में मंशियात का रोकथाम जो आलमी ढी मल्हाया वो है इन ढीको है यो विचार किया वो यो वचन किया वो मुल्क के मंशियात का पाक कजे नौजवान के मंशियात नशे का छुटकारो हासिल कराए सो इन सिलसिले में पा जो मुल्क की गाल क्यों तो इन वक्त पाकिस्तान में 90 लख मू जो है वो मंशियात जदि यो अंग अखर वह रजिस्टर्ड मामला जो एन जी ओज या मुख्तलिफ़ सरकारी इदारे कम किया है मंशियात के हवा से अंग इन का चोण पंजूर से है उनमें बुधा पे वे तो 78% जो है वो मर्द हैं 22% का इन में औरतू नौजवान नींगरियों नौजवान असो भेणू मंशियात जो आदि गडो गड रोज़ानो डेली सजे मुल्क में 700 मू जो है नशे सबब पानी जिंदगी तथा हथ धोई वह मुख्तलिफ़ कैंसर के कर मुख्तलिफ़ मामलों के कर पर जो मेन रीज़न हों वो नशो हों इन वक्त सिंध की जैसे पा गाल क्यों तो सिंध की जो सूरत हाल है समूर शहर में खास कर कराची हैदराबाद सखर में नौजवान नारियों असो भेनरू रात जो मतलब त क्लब्स में वन थी जी अस शीशे जहा क्लब्स मुख्तलिफ़ उत मंशियात मिले थी गडो गड ये मुख्तलिफ़
उन छोकरा छोकरियों जो स्कूल्स में आन इन वक्त कराची जहाँ जितना भी वा स्कूल मैं नाला नो खन चाहें या सजी एक रिपोर्ट है जहाँ ए एस पी जो है तौकीर नईम एक रिपोर्ट ठाई जहाँ उन अदालत में पेश कई समूर सिक्योरिटी इदारन के भी दिनी इन समूरे मामले में मूँ भी किरदार अदा कम वो सजो एक फुल पेज अस छापी सजो जो कराची जो वा वा स्कूल सभी का जो मंशियात आ वह उतने सप्लाई थे थी कराची की वड़ी यूनिवर्सिटी में थे थी इन वक्त जाल तो सिंध की समूरी यूनिवर्सिटी में सिंध जहाँ समूरा तालीमी इदारा जिनके नसुल ठाणा जिनके जो है मुस्तबिल जहाँ मेमार ठाणा इन मुल्क जहाँ वाग धणी ठाणा उन नशे की उन लत में फसाय वो है उतने बार तार वन तुम समझो तो तार इंजीनियर डॉक्टर वा जो है साइंटिस्ट थे पा वन जैसे वो डिग्री हासिल कर बहर निकरंदा तो वो तमाम वा मवाली हूँ जिन जिनके समाज धुकारे तो जिनके सजो सिस्टम जो धुकारे तो मेहरबानी करे पांजे बारन के इन समूरे सिस्टम का अलग कयो इन समूरी जो लत है इन का पासो करायो तहजे आसे पास में जो भी दुकान है जो भी मांडड़ियों उन्होंने जी शुरुआत थे थी मेनपुड़ी का बेन नशन का ज़रा अस टीवी चैनल से वेठे नाला भी असा ना वी सूँ तो इन पाक कर बिल्कुल ही जो सोपारी है इं समझो स्टार्ट है तहजी तहजे मासूम बार की तो उनके सोपारी पेरी पसंद नहीं उन आस्ते आस्ते वे नशन से वो सिगरेट से इंदो सभी का जो नौजवान अचे तो वो कॉलेज लाइफ में अचे तो मैट्रिक का नौजवान पेरी सिगरेट पीन था उन आहिस्ते अचन था बेन नशन से अचन था इन वक्त सजी सिंध में जो भी नौजवान हैं तेमें 90% नौजवान छोकरा छोकर नशे ज आदि थी चुका असि शहर में क्लब्स के नाले से रेस्टोरेंट्स के नाले से उते मंशिया जहाँ अडा खुले छाया जिते नौजवान नस्ल अची रात जो शराब नोशी भी कन था तो शीशो भी पीन था तो बया नशा भी वापरन था कचरे के ढेर से पाया हूँ जिता खी तुम घर अची उन दोस्त उनके पहुँचाइंदा मेहरबानी करे पांजे बारन जी जेका दोस्ती आए उन सोबत से तुम ऐसो उनकी जो वाद विच थे पी जै माहौल में थे पी उन तुम नजर रखो तालीमी इदारन में तुम पा वो तुतो तो तुम बार उनो पुछा कर तुम पढ़ी आया आ आउटपुट वो उस्ताद से उन मुलाकात कर जो गैप थी है उस्ताद वालदेन के विच में इन गैप के खत्म कर खबर पवी तो तार जै मकसद के लिए तार लखे रुपया खर्च किया मेडिकल की फीस वी लख रुपया जो है वह फीस तदा कर सालाना डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपया जो है भरे सीटू हासिल कर इंजीनियरिंग जो मेडिकल जो वो बार आउटपुट दे पो या उतने तालीमी इदारन में मंशियात जो आदि थी है या वरी कें बे डोह में मिलो है मंशियात स्टार्ट आए उनका जाहिर उनके मंशियात न मिली तो जाहिर डोह कौ वो चोर भी थी तो धाड़ेल भी वो फोरू भी बैंकों भी लुटन वो कतल भी तुम घर जहाँ टपड़ भी खपाई तो पखा फ्रिज ये भी खपाई तो जाहिर उनके नशो खपे मेहरबानी करे तहां के हथ बदी यही इल्तिजा है तो पांजी औलाद ते नजर विझो पांजे आसे पासे समाज ते नजर रखो जिते भी तुम ऐसो मंशियात जो वो में वो जो अलमियो है अस सिंध में वो यो है तो जो मुहाफिज आज असा उ जैसे उनकी कमाई खाइन जैसे नसुल तबाह कर कमाई खाइंदा अस वो लखे रुपया हफ्तों दिनों वो पुलिस वारन के अस ये अडो हलूँ तो जाहिर है यो इन वो को अलमियो नो थी सो एक कॉल है उन कॉल से हलूँ पा ऐसा तो केर आए असल हलो अस्सलाम वालेकुम साई केर किथा का पा गलो वाह वाह साईं बिस्मिल्लाह हूं ताके दिल जी गहराइन सा भरीकार चों ता सुबह मेरान में छा चवण चाहिंदा साईं इंजो को सिंधी कमन सा तो सो में इंजो आवाज तमाम बेहतरीन आसान गर्द कना के संग को जो कलाम बुधाए साईं केड़ो कलाम बुधाए तेरे पवन दी साहब तेरे पवन दी साईं बिल्कुल साईं बुधाए चुको है पूछना सवाल जी जी बिल्कुल साईं केड़ो सवाल है साईं का सवाल यो देने आवाज तो बेहतरीन आवाज तो भंदवा ने देखो बिल्कुल बिल्कुल आवाज थैंक यू साईं तुम वही मेहरबानी तुम सेवण का फोन कई बाबू साईं जन जस दियन पा आवाज के पसंद कन पा हाँ हलूँ तो अरसलान ना अरसलान का बुधूँ तो अरसलान बुधाए अरसलान ना अखलाक ना अरसलान ना अरसलान का ही बुध चलो साईं की फरमाइश से जी हाँ न पे पवंदी साईं थी जो तुम चव बिल्कुल अमलता सता कूक कोयल करे हो परे आ परे आ परे आ परे
अमल तास ताकूक कोयल करे ऊपरे आ परे आ परे आ परे अमल तास ताकूक कोयल करे ऊपरे आ परे आ परे आ परे ऊपरे आ परे पया आओरा बेल मुरझाए जन था पया का सुगंध आए जें जी न तो बिन सरे ऊपरे आ परे आ परे आ परे परे आ परे आ परे आ परे अमल तास ताकूक कोयल करे ऊपरे आ परे आ परे आ परे केहड़ो बिया है कलालो दियो मत केहड़ो बिया है कलालो दियो रत घन गोर आकिया बिचाणु चरे ऊपरे आ परे आ परे आ परे अमल तास ताकूक कोयल करे ऊपरे आ परे आ परे आ परे ऊपरे आ परे आ परे आ परे तोत पायल बधी ए आया जे थेरा तोत पायल बधी फिर सोचे ते रख धर ततियते दरे ऊपरे आ परे आ परे आ परे अमल तास ताकू कोयल करे ऊपरे आ परे आ परे आ परे ऊपरे आ परे आ परे आ परे आए तमाम खूबसूरत बोल आए इन जा शेख अयाज की शायरी है इन के पहले भेरो सादिक फकीर साहब गायो सादिक फकीर जे अंदाज में गायो है अज डी ताई को भी गुलूकार उन लेवल ते न पहुंची सको है जे अंदाज में तमाम खूबसूरत परफॉर्म कयो है आओ राबेल मुरझाए जंथा पया ता जो पसंदीदा शायर केर है जरा नौजवान आयो ता के के वधिक आइडियल के के लिसना आयो पसंदीदा शायर जो है सो मुझे हिसाब से आऊं अक्सर करे जके हिंजर या जके कलाम हलन पे उने पास ध्यान घट दिनो या जबरदस्त मुझे हिसाब से जो आऊं बुधन चाहिदो या एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मना लाइक ले कनो या तमाम खूबसूरत अखलाक सही तहां वधि के खे पसंद कंदायो ज्यादातर जगह शायरी है शेख अयाज हसन दर्स हलीम बागी नंटनी टनी जे पासे जको ने ज्यादातर शाह लतीफ भिटाई जे पासे लतीफ सरकार है लतीफ सरकार ने के सारियो आई ना चाहे जेडो शायर ना छो न थिदो बिल्कुल दुनिया जे लेवल ते शेख अयाज हलीम बागी हसन दर्स माशाल्लाह वाह वाह तमाम खूबसूरत तमाम वडा नाला तमाम खूबसूरत ये शायर हैं नंडो ब्रेक है ब्रेक हम जल्दी वापस अचूं ता दिसन रहो सुबह में रहो
राजन सुबह मेहरान में एक भेर बेहर भलीकार तमाम हसीन महफिल खूबसूरत शायर के याद कर पे वे अड़े बे शायर के भी याद करा जिनकी अज वर्सी है उन पैं तक मौसम जो हाल बुधा तो अज भी जो सिज है पाँच आबोताब से है पर मुख्तलिफ़ शहर में बुधा पे वे तो बादल अची चुका खास कर लाड़वारो पासो नार बंगाल में जो सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल थी चुको है अज का बरसात जो सिलसिलो सजे मुल्क में शुरू थी रो है बुधा पे वे तो किथे किथे जो है मतलब तो बादल अची चुका है हल्की बूंदाबांदी जो भी बुधा पे वे खास कर लाड़वारी पट्टी के पास अड़ी रीत पा वरी जिक्र कंदी मंशा जो अज मंशा की रोकथाम जो आलमी ढी है अज वचन करें मुस्तबिल के पांजे नस्ल के बचाने जो तो उन्हें नशे की शयन का नशे वाले माहौल का नशे वाली जी एक्सिस है उनका तमाम अस परे रखूँ गडो गड असा समाज में ये जी अंसर आन उन्हें वायखो क्यों तरूर मुश्किल पेश इंदू तुम जैसे भी नशे मंश जी नशे या डीलर या जी मंशात फरोश हैं उन्होंने खिलाफ़ गाला तो वो तक धमकियों भी दींदा तो तुम घर से हमला भी कराइंदा पर एक दफो ब दफा पर उन जाहिर वो मुड़ी वा तुम उनढ़ा आ वो बज़ाहिर तौर ढाढ़ा जो रिश्वत दियन था अस पुलिस अहलकार के असे वाग धनी तो वेठा उन्होंने पर यो है जैसे तुम सब गड़ी जो आवाज़ थींदा तो जरूर इनको खात्मो इंदो वचन कर जो बार सुभाने के मिट कचरे के ढेर से नशे में जो वो सफा पूरे जो मवाली थी उतने किरियो पो हो सफा ये मतलब कपड़न का आजो पे रोड से घूमे तो तक अज वचन करो है तो तेजे बार से नजर रखनी है वो जैसे तालीम हासिल कर स्कूल में वन तो उतने के माहौल के भी ऐसा है उस्ताद खान भी रिपोर्ट वी है गड़ो गड़ उन सरगर्मियों से उनके दोस्तों से भी नजर रखनी है इन समाज से भी नजर रखनी है तो किथे मंशात फरोश तार के मुख्तलिफ नशा दई उन नशे की लत नटो आने सो मेहरबानी करो ये असि तक इल्तजा है रोज़ असा गाला भी अज ही ढी है अज ढी मल्हण जो मकसद यो है असं पे पान से वचन क्यों इन धरती से वचन क्यों इन मुल्क से वचन क्यों तो असी धरती के इन मंशियात जो धंधो है मंशियात जो कोई जहर है इन का पाक क्यों सो वचन करबानी कर जरूर तक ढी कामयाब थींदा गडो गड असे पुलिस अहलकार या पुलिस जी जैमें कारून सब पुलिस अहलकार ये ना पुलिस में कुछ कारून रिढ़ियों आज जी जाहिर हलन ही इन खर्च से तू हलन ही इन कमाई से तू तदें तो ही तसंद हूँ तो पुलिस ऑफिसर V8 गाड़ियों उन बंगला पेट्रोल पंप जहाँ मालिक थियन ये को भी मूँ हकेलाल की कमाई से नो सके जरूर वद में वद जो उन हिस्सों है वो मंशियात है बे के नस्ल के तबाह कर बेन की न्याणियों के जो है नशे जो आदि कर उनके मौत के मुँह में विझण उनके समाज जो नासूर पैदा कर जाहिर उनमें उनकी उनकी कमाई है तसंदा हूँ तो कुदरत तक कें पाँ हयाती में ही उन्हें बर्बाद थी दिखारे थी सो अगत वी पा हल्दी अखलाक दा पर उन पैं दोस्त के याद कदम तमाम खूबसूरत शायर तमाम वो शायर जो नालो अहमद खान मधोश है जो सिटू आज मधोश जे मरी वे तो होश के संभाल जो सामड़ी की साम में पोई खड़ी सुमार जो अहमद खान मधोश साहब जी वर्सी है 14 वर्सी है 1960 में उन्होंने शायरी की शुरुआत कई जोही में उन्होंने जन्म वरतो तमाम खूबसूरत शायर उन्होंने संदन शायरी केतरन ही गुलूकार गाई आबदा परवीन का वही वे मुमताज़ लाशारी तई सिर लगे सोने सजण से सिर लगे मन के मन के मन से सिर लगे उन सामू सजण हो नजर में नजर हुए या वरी माँ पखी हाँ प्यार जो प्यार के इजहार जो धार जो न मार जो मुख्य धार जो न मार जो उनमें ही चवे तो मदहोश के मरी वे होश के संभाल जो सामड़ी के साम में पोए खड़ी सुमार जो गडो गड उनकी सिट खूबसूरत है त दिल थी दिल तदें थी नचे नचे अज तो सजण अचे अचे सो तमाम खूबसूरत शायर केतरा ही उन्होंने अवॉर्ड माणिया केतरा ही अवॉर्ड भिटाई का वी सचल ताई सचल का वी वे जे भी समूरा अवॉर्ड आ उन्होंने हासिल किया काछे के मस्त शायर जो उन्होंने लकब मिलो जो मधोश है यो भी संदन लकब हुए शायरी में वो उनके दोस्त दिनों 26 जून से अजो के ढीह से 2010 में वो असा विछड़ी वह पर पाँच शायरी के जरिए पाँच किरदार के जरिए पाँच खूबसूरत लिखने के जरिए वो असा विच में आन अज भी खे तमाम घड़ो खेस गाया वे तो अज भी का महफिल साणन संदन शायरी बिना अधूरी है जैमें चो वो है माँ पखी हा प्यार जो प्यार के इजहार जो या वरी जिते सजण सामू हों तो सामू सजण हो नजर में नजर हुए अज उनकी वर्सी आयल असें खेन गरी के रहमत करे उन्होंने जो कम किया है सदिन ताई बल्कि ता हयात जिंदा रह दो प्रोग्राम जी भी असाणी ना आयो वेंदे वेंदे इन दोस्तों का मैसेज वी गो गए अखलाक का बुधासी तुम प्लीज मैसेज बुधाजो बस
जेके पसंद या दोस्त हैं जी हां जेके पसंद या दोस्त गुजर रहे हैं उन सभी की गुजारिश अगर सो इन अगर ये मौसीकी की इन फील्ड में आया है जी हां तो इन के लिए जरूरी यो है एक सुठो उस्ताद जरूरी है सुठो उस्ताद सुठो उस्ताद उनसा गद लाजमी की शे ऐ रियाज उनसा गद जरूरी है सब शे असान कुछ ना आयो पर जेको असान जो हाल है जी हां एक समुंड है सीनियर की इज्जत करण सीखो जेके ताजा सीनियर ही फन जो मुरादमंदी जो फन है जी मुरादमंदी इन फन में है जबरदस्त लगो तमाम तुम सभी की मेहरबानी जो इन प्रोग्राम में असा जॉइन कर वही रेस्पेक्ट दिनी तुम सभी वही वही मेहरबानी जस हुए तमाम नंबी उम्र में तमाम सुठी मेहनत कर पाँ टिन्हीं दोस्तों जो अखलाक अहमद हैदरी साहब जो अरसलान अहमद हैदरी साहब जो अली हसन उर्फ चाचा ढोलियो जो ढोलक नवाज थे उन्होंने खूबसूरत साथ निभाए उन दोस्तों से गुड मैं इन्हों थोरा तो आया मुझी समूरी टीम के इजाज़त दींदा इन दुआ संगत शाल जित जो खुश जो आबाद जो सुभाने पा नवन मेहमान से गुड नवन मौजून से गुड नवन शख्सियतों से गुड तुम खिदमत में हाजिर थी तेस तीन मुख्य दींदा इजाज़त अल्लाह भाई वींदे वींदे अखलाक साहब शंकर सागर जा बोल तोखे किया मां समझांधार तोखे किया मां समझांधार ना मन मुई जो मने न तो तू बेज गले जो थे हार अना मन मुई जो मने न तो तोखे किया मां समझांधार तोखे किया मां समझांधार ना मन मुई जो मने न तो तू बेज गले जो थे हार कंध कुल्हे ते आगडियो में तुही जा ज़ुल्फ सवारा हथरन के छुआ दे पीघ में लुड़ा दे तोखे किया मां समझांधार तोखे किया मां समझांधार ना मन मुही जो मने न तो तू बेज गले जो थे हार अना मन मुही जो मने न तो बादल भी आया बालम ना आयो समझी वो आए सागर तुही जे पुजाना मुँह वट रहा पूरे कलम ही कागर तो दे अच्छे मुझे कासा तो दे अच्छे मुझे कासा अना मन मुझे मने Oh.
तोखे की अमा समझांदा तोखे की अमा समझांदा रणा